क्या आप इस कलर लैंडस्केप के बारे में जानते हैं? लेट्स फाइंड आउट। जी हाँ दोस्तों, ये कलर लैंडस्केप्स एक्चुअल में पोटैश इवेपोरेशन पॉन्ड्स हैं, जहाँ पे पोटेशियम के सॉल्ट फॉर्म को क्रिस्टल्स में तैयार किया जाता है। यहाँ बह रहे कोलोराडो रिवर से वाटर को अंडरग्राउंड पोटेशियम माइंस में पंप किया जाता है, जहाँ पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर जब मिक्स होते हैं तो एक ब्राइन सॉल्यूशन तैयार होता है। इस ब्राइन सॉल्यूशन को पंप के माध्यम से अंडरग्राउंड माइन से ऊपर ग्राउंड सरफेस में भेजा जाता है, जहाँ पर इस सॉल्यूशन के इवेपोरेशन को स्टार्ट किया जाता है। इवेपोरेशन को फास्ट करने के लिए इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर की डाई मिक्स की जाती है। इस ब्लू कलर की वजह से इवेपोरेशन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ब्लू कलर सनलाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट होता है, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट रह जाता है। इस इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान इस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे चेंज होता है। स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन का कलर डार्क ब्लू के फॉर्म में होता है, बट जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में से वाटर इवेपोरेट होता है, इसका कलर डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, फिर लाइट येलो, और फिर लास्ट में पोटेशियम अपने वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में वहाँ पर पड़ा रह जाता है, जिसे कि बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। इस पोटेशियम के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसका मैक्सिमम यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र होता है। पोटेशियम प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है तथा उसे डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बनाता है। फर्टिलाइज़र के अलावा ये पोटेशियम सोप्स मेकिंग में, डिटर्जेंट मेकिंग में, गोल्ड माइनिंग में, डाइस बनाने में, इवन ग्लास प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, और गन पाउडर में भी इसी पोटेशियम का यूज़ किया जाता है।